वालेकुम एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे फेरिंग्स का अगला पोर्शन जो है नेजो फेरिंग्स, उसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। मोटी मोटी सी बातें जितनी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं टू अंडरस्टैंड पैथोलॉजी, ठीक है। तो इतनी सारी बातें तो आप में से हर किसी को आनी चाहिए फॉर योर वाइवा स्पेशली। सबसे पहले नेजो फेरिंग्स की एक्सटेंट क्या है, आपको पता है कि अपर मोस्ट पोर्शन है फेरिंग्स का, इसलिए इसको एपी फेरिंग्स भी कहते हैं। बेस ऑफ स्कल यहाँ से लेकर ये जो आपको नजर आ रहा है ना, दिस इज योर सॉफ्ट पैलेट, इन्होंने लेबल भी किया हुआ है बड़ा अच्छा सा। तो सॉफ्ट पैलेट जहाँ पर खत्म हो रहा है वहां तक वी हैव नेसोफेरिंग्स, ठीक है। ये वाला पोर्शन यहाँ सॉफ्ट पैलेट खत्म हो रहा है और नेसोफेरिंग्स भी यहीं तक है। सो इसकी अगर हम रूफ की बात करें तो रूफ इज फॉर्म्ड बाय बेस ऑफ स्कल, ठीक है जी। अगर हम इसके फ्लोर की बात करें तो फ्लोर में ये कंटिन्यूएशन है इसकी विद द ओरोफेरिंग्स, ठीक हो गया। फ्लोर इसका कोई डेफिनेट नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा है तो वो सॉफ्ट पैलेट वाली जगह ही है, ठीक है। ये सॉफ्ट पैलेट आपको नजर आ रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें इसके इंटीरियर वॉल की, तो इंटीरियरली ये आपकी नेजल कैविटी से कंटिन्यूएशन में है, और जो पोर्शन नेजल कैविटी का यहाँ पर होता है उसे हम कोएना कहते हैं, ठीक है। पोस्टीरियर नेजल एपर्चर या कोएना, नेजल जब नोज पढ़ाई थी आपको तो मैंने ये बात बताई थी, ठीक है। पोस्टीरियर वॉल की बात करें तो आप देखें कि हमारी जो फर्स्ट वर्टेब्रा है, ये फर्स्ट वर्टेब्रा यहाँ पर, ये आधा बेस ऑफ स्कल यहाँ खत्म हो रहा है और फर्स्ट वर्टेब्रा एटलस शुरू हो रही है, ठीक है। और जाहिर सी बात है कि वर्टेब्रा डायरेक्टली तो नहीं आती ना, उनको एक किसी मसल ने, किसी फेशिया ने कवर किया होता है, तो वो इसकी पोस्टीरियर वॉल में है। रूफ कर लिया, फ्लोर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लैटरल वॉल। अब लैटरल वॉल में इसके आपको नेजल कैविटी की लैटरल वॉल मिलेगी, इस जगह की जहाँ पर मैंने आपको दिखाई थी ओपनिंग ऑफ यूस्टेशियन ट्यूब होती है, देख लेते हैं। अब ये यहाँ पर आप देखिएगा, ये आपको नजर आ रहा है लैटरल वॉल ऑफ नोज वाली जगह आ गई है। दिस इज योर पोर्शन ऑफ नेसोफेरिंक्स, यहाँ पर है लैटरल वॉल में ओपनिंग ऑफ यूस्टेशियन ट्यूब, ठीक है। उसके साथ ये जो एलिवेशन होती है इसको हम ट्यूबल एलिवेशन कहते हैं, जिसमें ट्यूबल टॉन्सिल प्रेजेंट होता है। पीछे की तरफ हमारा फ्रेंजल टॉन्सिल आपको नजर आता है, ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है ना फ्रेंजल टॉन्सिल। फिर आपको सेल्पिंजियो फ्रेंजियस मसल मैंने दिखाया था, जो नीचे फ्रेंजियस नीचे तक जा रहा था ऊपर से आता हुआ, उसकी वजह से एलिवेशन सी यहाँ पर बनी हुई होती है, ठीक है, जो आपको नजर आ रही है इसको हम कहते हैं सेल्पिंजियो फ्रेंजियल फोल्ड, ठीक है जी। तो ये आपने अपने जहन में रखना है, क्योंकि ये मसल पीछे है और मसल की वजह से एलिवेशन आपको नजर आ रही है, दैट इज कॉल्ड सेल्पिंजियो फ्रेंजियल फोल्ड। उसके बाद इसी के नीचे आप देखिएगा तो हमारे पास यहाँ ट्यूबल एलिवेशन वाली जगह से ही लेकर सॉफ्ट पैलेट तक एक और हल्की सी एलिवेशन है, सॉरी स्लाइटली रेज्ड है, इसको इनने लेबल किया हुआ सेल्पिंजियो पैलेटाइन फोल्ड, ठीक है। ट्यूबल एलिवेशन से लेकर पैलेट तक है सेल्पिंजियो पैलेटाइन फोल्ड, और ट्यूबल एलिवेशन से लेकर जो फेरिंग्स तक जा रहे हैं वो सेल्पिंजियो फेरेंजियल फोल्ड है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास, अच्छा अब ये वाला वही बैक नेसोफेरिंक्स की वॉल है जो ज़्यादा मैग्नीफाइड व्यू में है। ये आपकी ओपनिंग ऑफ यूस्टेशियन ट्यूब है एंड ये आपकी ट्यूबल एलिवेशन है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये पीछे जो पोस्टीरियर वॉल में, वहाँ भी मैंने आपको दिखाया था कि फेरेंजियल या टॉन्सिल्स या एडिनोइड्स हैं, उनके आगे एक छोटी सी ये देखिए खाली जगह होती है जो वहाँ पर नजर नहीं आई थी, दिस इज कॉल्ड एज नेसोफेरिंजियल बर्सा। ये नेसोफेरिंजियल बर्सा बेसिकली आपका रेमिनेंट होता है, जब आपकी डेवलपमेंट हो रही होती है ना उस वक्त नोटोकॉर्ड में, मतलब जब जो हमारा डेवलपमेंट होती है आपको पता है उस वक्त एक स्ट्रेट ट्यूब पहले बनती है नोटोकॉर्ड, फिर उसे सारे स्ट्रक्चर्स बनते हैं, तो ये उस वक्त का डेवलपमेंटल रेमिनेंट है, खाली आप इतना समझ लें, ठीक है। ये जगह इंपॉर्टेंट इस वजह से नेसोफेरिंजियल बर्सा क्योंकि देखिए ये खाली जगह है, एक पतली सी स्लिट लाइक खाली जगह जो बहुत ही बारीक होती है, यहाँ पर कोई भी कार्सिनोमा कैंसरस जो इन्वेजन है ना वो डेवलप हो सकती है, उसके चांसेस होते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। उसके आगे आप देखिएगा ये एक और स्ट्रक्चर है जिसे इन्हें लेबल किया है रैथकेस पाउच। अच्छा, ये जो रैथकेस पाउच है इट इज़ ऑल्सो अ डेवलपमेंटल रेमिनेंट। किस चीज़ का रेमिनेंट है? हमारे पास ये जो फेशिया लाइन कर रहा था इस सारे को, हमारी बक्कल कैविटी यानी कि बक्को फेरिंग्स यानी ये जो एरिया है फेरिंग्स के, इसको लाइन कर रहा था, कहते हैं डेवलपमेंट के टाइम पे यहाँ से फेशिया इन्वेजिनेट करके ऊपर जाता है बेस ऑफ स्कल से ऊपर, उस वक्त बोन्स तो नहीं बनी होती ना, और यहाँ पर फिर हमारे पास पिचूटरी ग्लैंड का एक लोब बनता है इससे, आपको पता है ना पिचूटरी ग्लैंड इधर ऊपर ही पड़ा हुआ होता है, तो उसका जो रेमिनेंट पीछे बच जाता है दैट इज कॉल्ड एज रैथकेस पाउच, ठीक है। अच्छा, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट सिर्फ वजह से क्योंकि उनमें कार्सिनोमा डेवलप हो सकते हैं, तो आपने इसलिए इनका नाम सिर्फ याद रखना है, या आपसे अक्सर एमसीक्यूज में ना पूछते हैं कि बच्चों को आते नहीं होते, बस इतना आप कह देना कि एम्ब्रियोलॉजिकल रेमिनेंट है और कार्सिनोमा के डेवलपमेंट के चांसेस होते हैं इसमें। अच्छा जी, अब आप देखिएगा इसमें डायग्राम में ज़रा कि हमारे पास ये बेस ऑफ स्कल उन्होंने बनाई हुई है, ठीक है, और ये आपका सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल है। इन दोनों के दरमियान में जो स्पेस होती है इसको हम कहते हैं साइनस ऑफ मोरगैग्नी, ठीक है। इसमें से कुछ चीज़ें पास करती हैं जो अक्सर एमसीक्यूज में आ जाया करती हैं या फिर आपसे वाइवा में पूछते हैं, जो यहाँ पर उन्होंने ड्रॉ की गई है। मुझे सबसे बेहतरीन डायग्राम ये मिली थी, तो आपने इसी से याद रख लेना, आपको जहन में रहेगा। ये मसल है लेवेटर विलाय पैलेटिनी, फिर आपकी यूस्टेशियन ट्यूब या ऑडिटरी ट्यूब यहाँ पर से पास करती है इस स्पेस में से, और असेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी होती है जो यहाँ पर इन्होंने बनाई भी नहीं है, ठीक है। तो बहरहाल दिस इज योर साइनस ऑफ मोरगैग्नी बिटवीन बेस ऑफ स्कल एंड सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल, इनके दरमियान में। ओके, अगर इस डायग्राम में आप देखें
हमारे पास बेसिकली मैं आपको बताना चाहती थी पेसावेंट्स रिज के बारे में। मैंने अभी आपको बताया ना कि हमारे पास तीन मसल्स हैं इंटरनल लेयर ऑफ फेरिंग्स में, स्टाइलोफेरेंजियस, प्लेटोफेरेंजियस एंड सेल्पिंजियोफेरेंजियस। ठीक है, उसमें से जो पैलेटोफेरेंजियस मसल है, जो पैलेट नाम से ही पता चल जाता है, ये सारे मसल्स में मुश्किल कुछ भी नहीं है, नाम से पता चलता है कि इनकी एक्सटेंट क्या है, पैलेट से लेकर फेरिंग्स तक जाएगा, उसकी वजह से एक रिज बनती है जो कि कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करती है। तो आपको जब उसकी स्ट्रिक्टनेस या कॉन्ट्रैक्शन होती है ना, तो फूड आपका गलत साइड पे जाने से रुकता है। ठीक है, तो ये आपको जो है मुंह खोलेंगे तो यहाँ पर नजर आती है, पैलेटोफेरेंजियल आर्च। ठीक है, इसको पैलेटोफेरेंजियल रिज भी कहते हैं, पैलेटोफेरेंजियल रिज बेसिकली इसको, सॉरी पेसावेंट्स रिज भी कहते हैं। तो ये आपको मैं बताना चाह रही थी, मुझे इसके अलग से कोई अच्छी डायग्राम नहीं मिली, बट इट्स फाइन बिकॉज। तो बस आपने इतना याद रख लेना है कि आपका जब आप खाना खाते हैं तो जाहिर सी बात है कि नेसोफेरिंक्स से उसको सेपरेट करना होता है कि वो नीचे ही जाए, ऊपर ना कुछ चला जाए, नाक की साइड पे ना चला जाए। तो ये जो पेसावेंट्स रिज होता है ना, ये पैलेटोफेरेंजियस मसल, ये उस टाइम कॉन्ट्रैक्ट करता है और ऊपर से नेसोफेरिंक्स के रास्ते को बिल्कुल तंग कर देता है ताकि खाना नीचे की तरफ ही जाए। ठीक है, तो ये इसका फंक्शन होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है हमारी लिम्फैटिक ड्रेनेज। तो लिम्फैटिक ड्रेनेज इस सारे पूरे नेसोफेरिंक्स की जो होगी वो जाहिर सी बात है कि डीप सर्वाइकल नोड्स में होगी, और उसको आप बस एक तरफ देख लेना। एंड यू नो इसके फंक्शंस क्या है कि ये एयर का पैसेज है और यूस्टेशियन ट्यूब है, तो मिडल ईयर को भी एरिएट कर सकता है ये। उसके बाद मैंने भी आपको बता दिया कि पेसावेंट्स रिज की वजह से खाना नाक की साइड पर जाने से प्रिवेंट हो जाता है और बाकी ड्रेनेज ऑफ म्यूकस वगैरह वगैरह में। तो यहाँ नेसोफेरिंक्स तो पूरा हो जाता है, ओरोफेरिंक्स मैं अगले पार्ट में बता दी, मैं तो कोई मसला हुआ, यू कैन आस्क मी। थैंक यू।